दिस इज लेसन नंबर टेन इस लेसन में हम सीखेंगे प्रेजेंट सिंपल एंड पास सिंपल टेंस के इंटरगेटिंग नेगेटिव सेंटें इससे पहले हमने जितने भी टेंसेज सीखे उनके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए हम उन्हीं के हेल्पिंग वर्ब्स के साथ नोट लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब्स मतलब इज आर एम वॉज फर एंड और इनके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए हम इन हेल्पिंग वर्ब्स को फिक्रे के स्टार्ट में ले आते हैं लेकिन प्रेजेंट सिंपल और पास सिंपल ये दोनों टेंसेस ऐसे टेंसेस हैं जिनमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता बॉस के फौरन बाद हम एक्शन की फॉर्म पे आ जाते हैं सो so, इनके नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए हम इनमें हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं

सो so, इसका इंटरोगेटिव बनाते हुए हम लिखेंगे डस ही गो टू स्कूल वैसे तो डू यूज़ किया जाता है लेकिन ही शी और सिंगुलर यानी वाहिद नाम के साथ हम ऐसिया ई एस का इजाफा करते हैं जैसे ही के साथ गो नहीं गोज लिखा है सो so, इसके इंटरोगेटिव और नेगेटिव में भी हम डू नहीं डस लिखेंगे यानी डू के साथ ई एस लगा दिया जाए तो डस बन जाएगा और जब डस लिख देंगे तो फिर गोज़ नहीं लिखा जाएगा क्योंकि गर्व के साथ जो ई एस लगा था वो डू के साथ लिखा जा चुका है सो डी गर्व टू स्कूल और इसी तरह इसके नेगेटिव सेंटेंस में हम डस नाट यूज़ करते हैं ही गर्व टू स्कूल वो स्कूल जाता है ही नॉट गो टू स्कूल वो स्कूल नहीं जाता है मोर सेंटेंसेस आई डू नाट लाइक कंप्यूटर गेम्स मैं कंप्यूटर गेम्स पसंद नहीं करता हूँ करता हूँ यानी इस क्लास में ता रहा है और अपनी पसंद नापसंद की बात की जा रही है और ऐसी बात करते हुए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं सो नेगेटिव सेंटेंस आ गया है और आई यूज़ किया जा रहा है सो so, आई के साथ हम डू नॉट लिखेंगे आई डो नॉट लाइक कंप्यूटर गेम्स डू यू लाइक कंप्यूटर गेम्स क्या तुम कंप्यूटर गेम्स पसंद करते हो यू के साथ भी डू यूज़ किया जाएगा एंड यू डोंट वेयर ग्लव्स तुम ग्लव्स नहीं पहनते हो डस ही वेयर ग्लव्स क्या वो ग्ल्स पहनता है यू के साथ डू और ही के साथ डस आई वी यू दे के साथ डू लिखा जाएगा और ही शी के साथ डस लिखा जाएगा उसके बाद पांच सिंपल टेंस जिसकी पहचान है था थी या थे फॉर एग्जाम्पल ही वेंट टू स्कूल वो स्कूल गया था इसमें भी हम बॉस के फौरन बाद लिख देते हैं कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया जाता यानी हम यू नहीं कहते ही गो या ही टू स्कूल बल्कि ही वेंट टू स्कूल सो सिंपल टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए हम जुमले को डिट से शुरू करते हैं जैसे डिड ही गो टू स्कूल प्रेजेंट सिंपल के शुरू में डू या डस और पास सिंपल के शुरू में डिड और जब डिड आ जाएगा तो उसके बाद सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी यानी डिड ही वेंट टू स्कूल नहीं कहेंगे बल्कि डिड ही गो टू स्कूल क्योंकि डिड बजाते खुद टू की सेकेंड फॉर्म है और एक ही जुमला में हम दो दफ़ा सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं करते और ऐसे ही इसके नेगेटिव सेंटेंसेस में हम डिड नॉट यूज़ करते हैं जैसे ही वेंट टू स्कूल वो स्कूल गया था ही डिड नॉट गो टू स्कूल वो स्कूल नहीं गया था more sentences he did not come to my home wo mere ghar nahi aaya tha did he come to yours kya wo tumhare yahan aaya tha agar ye present ka hota to hum use karte he does not and does he come और इसी तरह Sara did not clean the table. Sara ने table साफ नहीं किया था Did she clean? क्या उसने साफ किया था ये भी अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस का फिक्र होता तो हम यूं लिखते सारा डज नॉट क्लीन एंड ही क्लीन